तो हमारी ये रेमेडी बनके तैयार हो चुकी है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ आपको इसका यूज कैसे करना है और कब करना है। तो भाई लोगों कैसे हो, तो स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। आप देख रहे हैं मेरा चैनल केयर फॉर यू। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक और नई रेमेडी लेके आया हूँ। तो आज के माय रेमेडी होने वाली है हेयर ग्रोथ के ऊपर। अगर आपके हेयर की ग्रोथ भी बहुत हल्की होती है या फिर आपकी हेयर की ग्रोथ बिल्कुल ही रुक गई है, तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, क्योंकि इस रेमेडी के जरिए आपके हेयर की ग्रोथ दुगनी तेजी से होने लगेगी। तो हेयर की ग्रोथ क्यों नहीं होती, इनके कारण क्या हैं? काफी लोगों की हेयर की ग्रोथ रुक जाती है या फिर बहुत कम हो जाती है। उसके कारण ये होते हैं कि आपके बालों की जड़ों के अंदर आपके खून का दबाव नहीं पहुंच पाता। तो इस रेमेडी की मदद से आपकी हेयर की ग्रोथ दुगनी तेजी से होने लगेगी। और साथ ही साथ अगर आपके हेयर फॉल्स होते हैं, डैंड्रफ है या फिर आपके बाल सिल्की नहीं है, तो आपको इन सब समस्याओं का हल इस वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए। तो सबसे पहले हमको लेना है एक ऑनियन यानी कि प्याज। फ्रेंड्स, आप नॉर्मल साइज का प्याज लें, क्योंकि इसका जूस अच्छा निकलता है। आप ज़्यादा बड़ा ना लें और ज़्यादा छोटा ना लें। आप मीडियम साइज़ का एक प्याज ले लें और इसे बारीक बारीक काट के इसका एक पेस्ट बना लें। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पे पेस्ट बना रखा है। तो फ्रेंड्स, मैंने बारीक बारीक काट के इसे मिक्सी की मदद से इसका एक पेस्ट बना लिया। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे लेमन। तो हमको हाफ लेमन का जूस इसके अंदर ऐड करना है। तो अभी हम इसको हल्का हल्का मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे डाबर आमला ऑयल। तो फ्रेंड्स, हमें डाबर आमला ऑयल ही लेना है, क्योंकि इसके अंदर आमला होता है जो कि आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। ये आपके बालों को स्ट्रांग बनाता है, लॉन्ग बनाता है और थिकर बनाता है, और साथ ही साथ आपके बालों को काला भी करता है। तो फ्रेंड्स, हमें डाबर आमला ऑयल के अलावा कोई और ऑयल इसके अंदर ऐड नहीं करना। तो इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 चम्मच डाबर आमला ऑयल। तो चलिए इस रेमेडी को अब हम मिक्स कर लेते हैं। तो हमारी ये रेमेडी बनके तैयार हो चुकी है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ आपको इसका यूज़ कैसे करना है और कब करना है। तो आपको इसका यूज़ हफ्ते में 4 दिन करना है। तो आपको इसका यूज़ करना है नहाने से आधे घंटे पहले। तो फ्रेंड्स, आप इसे अपने बालों की जड़ों में लगाइए, अच्छी तरह अपने बाल में प्रॉपर इसे लगाइए, और इसके बाद आप इसकी मसाज कीजिए 5 से 10 मिनट। मसाज करने के बाद फिर आप इसे आधे घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दें अपने बालों में लगा हुआ। उसके बाद जाके फ्रेंड्स, आधे घंटे बाद जाके आप नहा सकते हैं, अपने बालों को धो सकते हैं। इस रेमेडी को आप हफ्ते में 4 दिन यूज़ करेंगे, आप खुद देखेंगे फ्रेंड्स, आपके बालों की समस्या दूर होने लगेंगी। इस रेमेडी को यूज़ करने से पहले आप अपने बाल देखिएगा, और इसे 2 हफ्ते यूज़ करने के बाद आप अपने बालों में फ़र्क देखिएगा। आपके बालों की ग्रोथ भी हुई होगी और साथ ही साथ आपके बाल झड़ना भी बंद हुए होंगे, आपके बालों में शाइनिंग भी आएगी और आपके बालों से जो भी दिक्कत है वो सब ख़त्म हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।